कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे आपसे करनी चाहिए, क्योंकि मुझे चैनल स्टार्ट किए हुए पूरे 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा ही होंगे और मैं देख रही हूँ कि मेरा चैनल में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और मैं खुद भी बोलना भूल जाती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऑडियंस बिल्डअप नहीं होगा, और अगर ऑडियंस नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वीडियो किसके लिए बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, प्रोडक्ट चूज करती हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है यार करने में। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों को बिल्कुल भी निराशा नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पे बहुत सारी अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू मिल जाएगा आपको। जैसे आज मैं बहुत अच्छे से एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो है, ये इतना बड़ा डब्बा देख के आपको डरने की जरूरत नहीं, इसमें जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी छोटा है। तो ये है डब्बा जिसको मैंने ओपन कर दिया, बहुत गंदे तरीके से ओपन कर दिया है। उसके अंदर जो मुझे मिलता है वो है ये डब्बा। तो ये डब्बा ओपन करते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। तो इस डब्बे को जैसे ही मैं ओपन कर रही हूँ, इस डब्बे के ऊपर कुछ मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। तो ये देखो, इसको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। और इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है वो है, प्लीज ओपन विथ केयर, रिटर्न विल बी एक्सेप्टेड इफ ओनली दिस ट्रांसिट कार्टन बॉक्स इज इंटैक्ट। तो ये कह रहा है कि अगर आपको ये रिटर्न करना है ये प्रोडक्ट, तो ये कार्टन का डब्बा जरूरी है, इसलिए अगर आप इसे ओपन कर रहे हो तो बहुत केयरफुली ओपन करो। जैसे मैंने इसका बहुत गंदे तरीके से इसे ओपन कर दिया, अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता और इसके साथ भी मैं यही करती तो मैं बहुत बुरे फंसने वाली थी। वैसे ये प्रोडक्ट मुझे रिटर्न नहीं करना, तो ये भी कोई बड़ी डील नहीं थी, वैल्यू में से फाड़ भी देती थी। तो ये देखो, ये इसके अंदर भी बहुत अच्छे से पैक्ड होके आया था, तो कोई भी डैमेज होने का खतरा नहीं है। आप बहुत सारे लोग होते हैं जो महंगी चीज़ें खरीदने से डरते हैं ऑनलाइन, उसके वजह यही है कि टूटा फूटा ना आ जाए, डैमेज प्रोडक्ट ना आ जाए। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत रेयर केस में ऐसे होता है, मैंने सुना है, भगवान करे मेरे साथ ऐसा कभी ना हो, और अभी तक हुआ भी नहीं है। मैं बहुत दिन से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, ये अलग बात है कि मेरे चैनल ओपन हुए ज़्यादा भी नहीं हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम से कर रही हूँ, उसका आपको पता चल जाएगा। कि कुछ चीज़ें मैं ऐसे भी आपके सामने आज बताने वाली हूँ जो मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, 1 साल पहले खरीदा था। तो ये है पॉसिल का वॉच, आपने देख लिया होगा इस पर, नहीं इस पर तो आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, पर हाँ आपको दिखेगा लोगो। और ये बहुत अच्छा मेटल बॉक्स है, बहुत खूबसूरत मेटल बॉक्स है जिसमें ये रिसीव हुआ है। तो ये इस तरीके से मैंने ओपन किया, ये उसके ऊपर इसका इंस्ट्रक्शन बुक है, और इसके नीचे है जिसका मुझे इंतजार था। इसके नीचे बहुत अच्छे से ये कार्टन था मेटल बॉक्स के अंदर, जिसे मैंने वापस कर दिया है इसी में। और ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर इसके ऊपर ये क्वालिटी, बहुत अच्छी पैकेजिंग है, बहुत अच्छी पैकेजिंग लगी मुझे। और ये देखो वॉच, आप वो वाव वाली फीलिंग मेरे फेस पे नहीं देखो क्योंकि मैंने पहले ओपन कर लिया है। जो भी होता है वो आपने सुना, मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी, तो वही हाल है। झूठ बोलना जरूरी नहीं है कैमरे पे, जो भी बोलो सच बोलो यार। मैंने इसे ओपन कर लिया है, मैंने देख लिया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे मेरे हस्बैंड ने एज ए गिफ्ट भेजा था, तो उसे इतना रहा नहीं गया। और उन्होंने मुझे पूछा भी कि ओपन करके देख लो और मुझे बता दो कि वो सही प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये मैंने ओपन करके देख लिया है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैप था जिसे मैंने निकाल दिया ताकि मैं इसे ठीक से पहन के देख सकूं, क्योंकि उसके जब तक आप उसका रैप नहीं हटाओगे वो बिल्कुल इस तरीके से पैक्ड होते हैं, उसके स्ट्रैप हिलते नहीं।
तो मैंने इसलिए इसका ये हटा दिया था क्योंकि मुझे चेक करना है कि ये मुझे आता है या इसका स्ट्रैप मुझे छोटा करवाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से क्लिक करना होता है। तो ये ओपन हो गया, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ डाल के ये कैसा लगता है। मुझे थोड़ा सा अभी बड़ा हो रहा है इसका स्ट्रैप, एक हाँ आई थिंक एक स्ट्रैप निकलवा दूंगी तो मुझे सही आ जाएगा। आप वॉच देखो, तो गाइस ये फॉसिल का रोज गोल्ड कलर का वॉच है और बहुत खूबसूरत वॉच है। आप मेरा फेस देख रहे होंगे, मैं बहुत ब्लश कर रही हूँ इसको लेके। तो ये बहुत खूबसूरत वॉच है और अभी मैं प्राइस क्या बताऊँ, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो आप ना इसका लिंक देखना और ऐसे इसका प्राइस बता दी 9995 यानी 10,000 रुपीज की है ये वॉच। और ये अभी डिस्काउंट चल रहा है इस पर, अभी आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा 6,000 में जो कि मुझे मिला। तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने जैसा बताया कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे ऑर्डर किया तो ये पूरे 10,000 की थी। देन उन्होंने जब दोबारा चेक किया तो इसका प्राइस उसी दिन कम गया था, तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उसे कैंसिल करके दोबारा रीऑर्डर कर दिया, तो हमारे 3,000 बच गए। तो आप लोग भी अगर ऐसा हो, और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये देख सकते हो अमेजोन ने अपना ऐड भी स्टार्ट कर दिया है। अमेजोन पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आने वाला है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। तो आपको अगर अभी कुछ चीज़ें खरीदनी है तो आप होल्ड ऑन करो, आप होल्ड पे रहो अभी और विश लिस्ट करके रखो, क्योंकि जैसे ही 29 तारीख से सेल स्टार्ट होगा फटाफट ऑर्डर कर लेना, क्योंकि अगर आप उस टाइम विश लिस्ट या चीज़ें सेलेक्ट करने लगोगे तो आपको हो सकता है आपको आपकी मनपसंद चीज़ें ना मिले उस टाइम, क्योंकि आप सबको पता है कि सब सेल सीजन का वेट करते हैं। तो आपको मैं एक सलाह देने वाली हूँ कि आप ना फटाफट विश लिस्ट करके रखो जो जो चीज़ें आपको चाहिए, और उसके बाद आप उसे जब भी सेल स्टार्ट हो आप उसे ऑर्डर कर लो। इसके साथ ही मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि आप रिव्यू सेक्शन पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हर चीज़ का जैसे मैंने पहले सोचा था मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इसे गिफ्ट किया है, ये मेरी पर्सनल चीज़ है, मुझे इसका वीडियो नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ लगा कि जैसे मैं कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ तो उसका रिव्यू ज़रूर देखती हूँ, नहीं होता अगर उसका रिव्यू तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट फील होता है और मैं उसे नहीं लेती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका वीडियो शेयर करूँ आपके साथ, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि रिव्यू देख के चीज़ें खरीदना बहुत ईजी हो जाता है। हम उसको आँख मूंद के उस पर भरोसा करते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं कि अगर लोग उसे अच्छा कह रहे हैं, ऑडियंस उसे अच्छी कह रही है तो चीज़ अच्छी होगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो वॉच है उसका बहुत अच्छा रिव्यू था, पूरे फोर एंड हाफ स्टार थे इसमें, 4.5 स्टार 5 में मिले थे। तो ये है भी बहुत खूबसूरत वॉच है और ये मुझे बहुत पसंद आई। मैंने आई होप सारा कुछ आपको इसके बारे में बता दिया होगा, बाकी आप जाकर अगर आपको बहुत पसंद आया तो आप लिंक में चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे एक और वॉच आपके साथ शेयर करना है तो ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट आपसे बोल रही हूँ। आप सोच रहे हो मैंने कितनी जल्दी जल्दी बातें, तो ये तो था मेरा फॉसिल का फर्स्ट बार जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुआ है। तो ये तो था फॉसिल। अब मैं आपके साथ जो वॉच अपना शेयर करने जा रही हूँ, जिस वॉच का रिव्यू, वो पूरे एक साल मैंने पहना है, बहुत रफली पहना है, बहुत रफली यूज किया है। ये देखो, ये वो तो था स्ट्रैप वॉच और बड़े डायल वाली। मैंने इसे इसलिए अपने हस्बैंड से डिमांड भी किया था क्योंकि मुझे थोड़े बड़े डायल वाली वॉच पहनने का था और स्ट्रैप वाली वॉच चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास जो था वो छोटी डायल वाली टाइटन डायला की वॉच पहले भी थी, गोल्ड कलर का ही था वो भी वॉच, पर वो थोड़ी छोटी सी, वो सिर्फ साड़ी और सूट पे अच्छा लगता था।
तो मुझे थोड़ी बड़ी सी वॉच चाहिए थी जिसपे मैं वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न कपड़े भी डाल सकूँ, तो इसलिए मैंने इसे लिया था। और ये जो मैं आपको वॉच दिखा रही हूँ ये ब्रेसलेट वॉच है, ये भी एक टाइटन डाल आप देख सकते हो इसके डायल पे, क्योंकि इसका डब्बा मेरे पास नहीं है अभी अवेलेबल। जब मैं पिछले राखी में मुझे मेरे भाई ने ये गिफ्ट किया था, आप सोच लो कि मेरे पास सारे गिफ्टेड वॉच हैं, तो हाँ ये मेरे भाई ने मुझे राखी पे गिफ्ट किया था, लिंक तो मैंने ही भेजा था, मुझे ही ऑनलाइन कीड़ा रहता है, तो ये मुझे उसने रिसीव किया था गिफ्ट किया था, तो उसका डब्बा वब्बा सब वही पटना में पड़ा होगा। तो इसे मैं बहुत रफली यूज करती हूँ, ये मेरे घर में आपको किसी कोने में फ्रिज पे ड्रॉअर में कवर्ड में कहीं भी रखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ पूरे एक साल। आप इसे यूँ अपने दिखा दूँ, ये इतना खूबसूरत लगता है हाथों में, ये देखो ये देखो ये मेरे हाथ में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना खूबसूरत मुझे कोई भी वॉच अपने हाथ में नहीं लगा अब तक। बस लंबी चौड़ी कलेक्शन है, मैं सारा शेयर नहीं करना चाहती आपके साथ। अगर आप देखना चाहते हो मेरा वॉच कलेक्शन तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर आप डिमांड करोगे तो ही मैं बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि कुछ ऑफलाइन भी खरीदी हुई है तो मैं उनका रिव्यू नहीं करना चाहती, उनको शो ऑफ नहीं करना चाहती। मैं दिखाती इसलिए हूँ आपको चीज़ें ताकि आप ले सकूँ, ऑनलाइन खरीदने में आपको इजी हो जाए। तो बाकी जो मेरे पास वॉच है वो ऑफलाइन है, इसलिए मैं पूरी कलेक्शन लेके नहीं आई हूँ कि मेरे पास कौन कौन से वॉच है, बहुत सारे तो नहीं पर हाँ चार या पांच वॉच है मेरे पास। इन अभी जो मैं बता रही हूँ वो सिर्फ ये टाइटन डाबा की वॉच है, ये मैंने मिंत्रा से मंगवाया था और ये मुझे अमेजोन से रिसीव हुआ। तो ये दोनों में मैं कंपेयर नहीं कर रही, पर इसे मैं बहुत रफली यूज करती हूँ और इसे कुछ नहीं हुआ एक साल में। तो अगर आप इस तरीके का ब्रेसलेट वॉच पसंद करते हैं, अगर किसी का होता है ये कलाई थोड़ी छोटी होती है उस पर बड़े डायल अच्छे नहीं लगते, तो वो इस तरीके का वॉच भी प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का ब्रेसलेट वॉच अच्छा लगता है तो आप टाइटन डागा ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें ब्रेसलेट वॉच बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ये तो था मेरा ब्रेसलेट वॉच और ये था मेरा स्ट्रैप वॉच, और दोनों मुझे बहुत पसंद है और दोनों ऑनलाइन थे, इसलिए मैंने आपको इसका रिव्यू शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं फिर से एक बार आपसे यूज वाला रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतना लंबा वाला, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ और आप मेरे दूसरा काम नहीं कर सकते, दूसरा तो काम है चैनल को जो रेड कलर का बड़ा सा सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक कर दो और घंटा भी बजा दो अगर आपका मर्जी है तो, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो ये तो था मेरा वॉच रिव्यू, तो इसका रिव्यू तो आपको परफेक्टली मिला होगा, एक साल पहनने के बाद मैं रिव्यू कर रही हूँ तो ये बेस्ट रिव्यू है, क्योंकि ये तो मैं आप ऐसे बंद करके आपसे कह सकती हूँ कि खरीद लो। और इसके प्राइसेस मुझे 5500 ऐसा ही कुछ मुझे याद नहीं है, और अभी भी ये अवेलेबल है मिंत्रा पे, मैं इसका लिंक भेज दूंगी, अमेजोन पे भी मिल सकता है मुझे, जहाँ भी होगा मैं लिंक आपको भेज दूंगी, आप इसके साथ जा सकते हो। ये इसका मैं अभी तो परफेक्ट रिव्यू नहीं कर सकती, लाइक स्ट्रैप का कलर, और इस पर मैंने आपको बताया ही नहीं पूरी तरीके से, इसका जो डायल है उस पर छोटे छोटे नग डाले हुए हैं, तो इसको बहुत केयरली हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि वो गिर जाते हैं। पहले भी मेरे पास एक वॉच थे माइकल कोर का जिसमें इस तरीके से नग था, उसका एक दो नग कहीं कहीं से निकल गया है, तो ये बहुत जेंटली केयर करना पड़ेगा आपको, और अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं तो उसे केयर करना तो बनता है। आई होप मैं इसका केयर कर पाऊँ। तो चलिए आप लोग मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ, कोई अच्छा रिव्यू के साथ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने ऐसा नहीं कि बस कपड़े 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 का रिव्यू कर दूँ, मेरे पास जो भी ऑनलाइन है मैं उसका रिव्यू करना चाहती हूँ, चाहे वो फुटवेयर हो, अगर आप लोगों को फुटवेयर हॉल देखना है मेरा या मेरा फुटवेयर कलेक्शन देखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं वैसे खुद भी बनाने का सोच रही हूँ अपना फुटवेयर कलेक्शन हॉल। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।